हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे LIC के शेयर के बारे में। दोस्तों, जब से LIC का IPO आया है, इसने निवेशकों को निराश किया है। 900 से ऊपर इसका IPO का प्राइस था और अब ये 650 रुपये के आसपास चल रहा है और 650 के बेस पर ये बहुत दिन हो गए हैं इसे होल्ड करते हुए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अब उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने वाला है। अगर दोस्तों ये 640 के नीचे क्लोज दे दे तो इसमें से एक बार निकल जाना चाहिए। अब इसमें और क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं एक्सपर्ट किस पर क्या राय है। देखिए, लंबा समय यहाँ पे रखना पड़ेगा, नो डाउट। तो यहाँ पे सबसे पहले समय की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 6 महीना तो मिनिमम होल्ड करिए। कंपनी कोई प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर काफी बड़ा है। अगर मैं पूरे इंश्योरेंस स्पेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से हम सबको पता है कि मार्केट शेयर काफी अच्छा खासा है, और जो लास्ट क्वार्टर में तो बल्कि उसमें इजाफा भी हुआ था। दूसरी तरफ सरकार की बैकिंग वाली कंपनी है तो वहां पे भी एक कंफर्ट आता है कि सरकार की बैकिंग है, और दूसरी और जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी मार्केट के साथ कोरिलेटेड है। अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक में भी असर आता है, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है जो स्टॉक के लिए अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए इन्हें रखना चाहिए, तभी इसमें इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ पे वो 6 महीने तो एटलीस्ट रहेगा। 6 महीने।